Assalamu alaikum viewers, I'm back with a new video and today I'm going to discuss about politeness theory. हम सबको पता है कि word polite का मतलब क्या होता है. Polite means नरमी. Politeness हमारी social life का हिस्सा है, हर interaction का बुनियादी हिस्सा है और हम हर रोज़ अपने आसपास इसी तरह की conversation का हिस्सा होते हैं. Like हम किसी shop पे जा रहे हैं, कुछ चीज़ खरीदनी है हमें, तो जो shopkeeper है वो हमें politely चीज़ें दिखाता है और हम अगर हमें ख़रीदनी होती हैं तो हम भी पोलाइट वे में उससे बातचीत करते हैं या फिर हमें कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट करनी होती है तो भी इसी तरह के हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. पर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब क्या हो सकता है? सो 1980s में दो लिंग्विस्ट ब्राउन एंड लेवनसन ने पोलाइटनेस के हवाले से थ्योरी दी थी. इस थ्योरी को समझने के लिए पहले आपको इस थ्योरी के कुछ मेन एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा. हेयर डीज आर लेट्स स्टार्ट विद द टर्म फेस. पोलाइटनेस थ्योरी में फेस से मुराद आपका असल चेहरा नहीं है बल्कि आपकी वो इमेज जो आप अपने लिए लोगों के सामने बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको ऐसे जाने. थिंक अबाउट इट, आप लोगों के सामने कौन सी सोशल सेल्फ इमेज बनाते हैं? आपका क्या फेस होता है? आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे जाने? एक एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम है अली. उसे ग्रुप का हिस्सा बनना अच्छा लगता है, उसे अच्छा लगता है कि लोग उसे समझें, उसे बातें करें. इस तरह की डिज़ायर आपकी सोशल इंटरेक्शन में आपके लिए आसानी पैदा करती है. तो विद इन ब्राउन एंड लेवनसन थ्योरी वी कॉल इट पॉजिटिव फेस. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उससे अकेले में बैठना भी अच्छा लगता है, अपने ही आप में, अपने ख्यालों में आज़ाद रहना. कोई उसे कैसा भी समझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो इस फेस को पोलाइटनेस थ्योरी में नेगेटिव फेस कहा जाता है. अब यहाँ पे आपको इस बात को भी जहन में रखना लाजमी है कि ब्राउन एंड लेवनसन के मुताबिक पॉजिटिव एंड नेगेटिव की मीनिंग हरगिज ये नहीं है कि पॉजिटिव का मतलब अच्छा एंड नेगेटिव का मतलब ख़राब, बल्कि इस तरह की जजमेंट से बिल्कुल फ्री है. नेगेटिव फेस इज़ नॉट वर्स दैन पॉजिटिव फेस इन दिस थ्योरी. नेक्स्ट टर्म इज़ टू रिमेंबर इज फेस थ्रेटनिंग. ए सपोज देर आर टू फ्रेंड्स, सारा एंड अली. ठीक है, अली जो है वही जो मैंने आपको बताया था कि जिसे अकेले में रहना अच्छा लगता है, उससे लोग जो भी समझे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब सारा और अली जो हैं वो दोनों क्लासमेट्स हैं. ऐसा नहीं कह सकते कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं. अब अली जो है हमेशा नोट्स अच्छे बनाता है. सारा क्या है, सारा ने क्लास अटेंड की थी लेकिन सारा ने नोट्स नहीं बनाए थे. अब सारा को पता है कि अली जो है वो नोट्स ज़रूर लिखता है और उसके नोट्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं, इसलिए वो क्या चाहती हैं, वो चाहती हैं कि वो उससे नोट्स ले. पर उसकी ये रिक्वेस्ट उस दोस्त यानी कि अली को डिस्ट्रेस में ला सकती है कि क्या वो नोट्स शेयर करना चाहता है या नहीं. इसलिए सारा की ये रिक्वेस्ट थ्रेटनिंग एक्ट में कंसीडर की जा सकती है. अब यहाँ पे हमारे पास दो और टर्म्स आ जाते हैं, पॉजिटिव पोलाइटनेस एंड नेगेटिव पोलाइटनेस. चलिए कंसीडर करते हैं कि सारा पॉजिटिव पोलाइटनेस फॉलो करती है. वो चाहती है कि अली का पॉजिटिव फेस लोगों के सामने आए, वो चाहती है कि लोग उसे अप्रिशिएट करें और उसे वैल्यू दें. तो सारा इस तरह की स्ट्रेटजी यूज़ करेगी या लैंग्वेज यूज़ करेगी जो क्लोजनेस क्रिएट करें. या फिर सारा नेगेटिव पोलाइटनेस भी चूज़ कर सकती है. वो नहीं चाहती है कि अली को ऐसा लगे कि वो उस पर अपनी बातें इम्पोज कर रही हैं, तो वो उसके लिए आसानी पैदा करेंगी और इस तरह की लैंग्वेज चूज़ करेगी अकॉर्डिंग टू द अलीज माइंड, ताकि अली को बुरा ना लगे. और ये जो कन्वर्जेशन होगी, ये जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इनडायरेक्ट होगी. ठीक है, इनडायरेक्टली वे में वो उससे रिक्वेस्ट करेगी. लाइक वो उससे कह सकती है कि अली, मैंने लास्ट क्लास अटेंड तो की थी लेकिन मैंने नोट्स नहीं बनाए थे और मुझे पता है कि तुमने ज़रूर नोट्स लिखे होंगे और तुम्हारे नोट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, तो वो मुझे आपके नोट्स चाहिए, कि आप मुझे दे सकते हैं. तो इस तरह की जो स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव पोलाइटनेस. या फिर
सारा नेगेटिव पोलाइटनेस भी चूज़ कर सकती है। वो नहीं चाहती है कि अली को ऐसा लगे कि वो उस पर अपनी बातें इम्पोज करिए, तो वो उसके लिए आसानी पैदा करेगी और इस तरह की लैंग्वेज चूज़ करेगी जो कि इनडायरेक्ट होगी। लाइक वो उसके सामने आके बैठता है वो, और सारा जो है अपने आप से ही बातें करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने लास्ट क्लास के नोट्स नहीं लिखे थे, अब मैं किससे लूँ, या फिर उसके ही नोट्स को देख के वो जो है इनडायरेक्टली इस तरह की बातें कर रही होती है, ताकि अली को ऐसा लगे कि वो उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहती है, उससे वो नोट्स लेना चाह रही है। तो इस तरह से वो अली पे छोड़ रही है कि अली डिसाइड करे वेदर उसे नोट्स देने हैं या नहीं, यानी वो अपनी जो रिक्वेस्ट है वो उस पर इम्पोज नहीं कर रही है, उसे अपने डिसीजन में आज़ाद छोड़ रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ये क्या है, नेगेटिव स्ट्रेटजी है। अब जबकि हमने इस थ्योरी के सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है, तो अब हमें इस चार्ट को समझने में आसानी होगी। दिस इज़ द वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्राउन एंड लेवनसन्स पोलाइटनेस थ्योरी। देखिए, अब कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हम फेस थ्रेटनिंग एक्ट फॉलो करते हैं या तो फिर नहीं करते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं हम फेस थ्रेटनिंग एक्ट फॉलो, तो इस पे हमारे लिए कोई भी रिस्क नहीं है, हमारे फेस लॉस होने का कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन अगर हम फेस थ्रेटनिंग एक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे फेस लॉस होने का रिस्क है। अब फेस थ्रेटनिंग एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से दो हमारे पास आ जाते हैं ऑप्शंस, फेस थ्रेटनिंग एक्ट आप ऑफ द रिकॉर्ड करें या ऑन द रिकॉर्ड करें। ठीक है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास फिर से दो ऑप्शंस आ जा रहे हैं, विथ रीड्रेसिव एक्शन या फिर विदाउट रीड्रेसिव एक्शन। विदाउट रीड्रेसिव एक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि आप जो है उससे एड्रेस होके नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड है लेकिन आप डायरेक्टली उसे नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप विथ रिड्रेसिव एक्शन यानी कि आप उससे एड्रेस करके बात कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको फिर से स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ेंगी। यहाँ पे हमारे जो है ये सारी पोलाइटनेस थ्योरी इस तरह से काम करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।